इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के फरार मंत्री पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है। मोकामा में प्रचार करते हुए देखे गए हैं कार्तिकेय सिंह। नीलम सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए। अनंत सिंह की पत्नी है नीलम सिंह, जिनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए। मंत्री पद जाने के बाद से कार्तिकेय सिंह फरार हैं, पुलिस जगह जगह तलाश कर रही है। नीतीश सरकार की काफी फजीहत भी कार्तिकेय सिंह करवा चुके हैं, और ऐसे में अब उपचुनाव को देखते हुए जो चुनाव प्रचार है उसमें कार्तिकेय सिंह देखे गए हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह के लिए प्रचार करते हुए कार्तिकेय सिंह की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल बहुत बड़ा ये, जब सार्वजनिक तौर पर कार्तिकेय सिंह चुनाव प्रचार की इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, तो आखिर क्यों बिहार पुलिस को ये तस्वीरें नजर नहीं आई? अगर बिहार पुलिस कार्तिकेय सिंह को तलाश रही है तो फिर क्यों ये तस्वीरें बिहार पुलिस को दिखाई नहीं देती हैं? क्यों कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्यों कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से परहेज कर रही है बिहार पुलिस? व्यक्ति के बारे में सवाल कर देते हैं तो मुझे पटना पुलिस से पूछना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो कानून के द्वारा प्रदत्त कार्रवाई है, जो तरीका उसके साथ पुलिस किसी आप अचानक किसी व्यक्ति के बारे में सवाल कर देते हैं तो मुझे पटना पुलिस से पूछना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो कानून के द्वारा प्रदत्त कार्रवाई है, जो तरीका उसके साथ पुलिस किसी आप पुलिस अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं इन्हीं तस्वीरों को लेकर। सवाल बहुत से हैं। पूजा सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। पूजा, जब फरार है कार्तिकेय सिंह तो बिहार पुलिस कह रही है कि तफ्तीश हो रही है, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये तस्वीरें इंडिया न्यूज देख सकता है तो क्यों बिहार पुलिस को ये तस्वीरें नहीं दिखती? जाहिर सी बात है, यही सवाल जो है एसएसपी से भी किया गया था, पटना एसएसपी से उनसे भी ये सवाल किया गया था जब वो पूरे कार्यक्रम में मौजूद है। विजयदशमी का ये कार्यक्रम था जहां पर ये मौजूद थे कार्तिकेय सिंह, और वहां पर जो है पूरा आप समझ सकती है कि विजयदशमी का कार्यक्रम इतना बड़ा कार्यक्रम होता है कि पुलिस के सुरक्षा इंतजाम भी वहां के थे, यानी पुलिस भी वहां पर थी, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं था कि वहां पर कौन मौजूद है। वो शख्स जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रहा है एक बिल्डर राजू सिंह के अपहरण के पूरे मामले में। और यहाँ पर आपको रचना बता दूं कि इस पूरे मामले में शुरू से ही पुलिस की जो कार्यप्रणाली है सवालों के घेरे में आई है। यहाँ पर बिल्डर राजू सिंह की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अपहरण के अंदर जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसमें कार्तिकेय सिंह का नाम ही नहीं था। उसके बाद जांच में ये बात सामने आई कि इसमें कार्तिकेय सिंह का इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद कोर्ट पहुंचा ये पूरा परिवार और ये मांग की गई कि कार्तिकेय सिंह का नाम जो है वो रिपोर्ट में आना चाहिए। और इस बीच जो है कार्तिकेय सिंह लगातार जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, हाई कोर्ट पहुंचा था ताकि उसको पहले ही जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए ताकि उसकी गिरफ्तारी संभव ना हो पाए। लेकिन एक तरफ जहां पर वो कानून की नाक के नीचे पूरा अपना कानूनी दावपेच खेल रहा है और पब्लिक अपेयरेंस दे रहा है, लेकिन पुलिस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरे मामले में 12 अक्टूबर को भी सुनवाई होनी है, और 12 अक्टूबर को अगर कोर्ट इस पर अपना पूरा जजमेंट देता है और बोलता है कि इसे सरकार की तरफ से मिल रहा है, क्या इसे सरकार की तरफ से मिली हुई शय कहा जाए पूजा? क्योंकि जिस बिल्डर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके किडनैप का आरोप लगा कार्तिकेय सिंह पर, उनकी पत्नी खुद इंडिया न्यूज के साथ बातचीत कर रही थी। मैंने उनसे कई सवाल पूछे, उन्होंने बताया कि कैसे शुरू से लेकर आखिर तक रसूख का इस्तेमाल करते हुए कार्तिकेय सिंह बार बार बचता रहा। और ये अगर सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में शामिल होने की तस्वीरें हैं तो फिर सवाल कई हैं। अब बिहार से सरकार को फौरन कोई कदम उठाना चाहिए ताकि फजीहत से बच सके, क्योंकि ये पहला केस ऐसा नहीं है जो सवाल उठा रहा हो। जी, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का कितना धमक चलती है, कितना मजबूती से उनके अंदर उनके यहाँ हाथों में जो है राजनीति रहती है, ये रचना किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी कि राजनीति के अंदर, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा वो पहले भी था और अब भी नजर आ रहा है। तभी एक बाहुबली जो कि अंदर है, जिसकी अनंत सिंह की हम बात कर रहे हैं, एक की बात हम कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह जो कि फरार चल रहा है, आप समझ सकती हैं एक की पत्नी इलेक्शन लड़ रही है और दूसरा जो है एक परिवार उस तरफ है जिसके बेटे का अपहरण होता है, वो पूरा परिवार जो है एक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन बाहुबली जो है मंचों पर आकर के
अपना दबदबा दिखाते हैं। कार्तिक सिंह की बात करें, विजयदशमी का कार्यक्रम काफी बड़ा कार्यक्रम था, वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। महागठबंधन की तरफ से जो है यहाँ पर नीतीश कुमार है जो सुशासन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सवाल पर सवाल उठ रहे हैं महागठबंधन की सरकार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बढ़ते हुए जंगल राज को लेकर। और ये जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, ये तस्वीर बिहार सरकार के साथ साथ बिहार पुलिस से भी सवाल कर रही है। अधिकारी सफाई तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी होगी। शुक्रिया आपका पूजा।